हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको 36 साइज का प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। तो बिगनर्स ये वीडियो ध्यान से देखें। 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को देखें ध्यान से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ये डबल फोल्ड में है। जो बंद वाला साइड होता है, इस साइड से हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो लंबाई लेंगे हम 14 इंच तैयार है, सॉरी 13 इंच तैयार है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच लेंगे और एक निशान लगा देंगे 14 इंच पर। चौदह इंच पर एक निशान लगा देंगे और इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम यहीं से शोल्डर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाया है, यहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। 36 साइज का ब्लाउज है तो हम आर्म होल 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहीं से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, एक चौथाई भाग। तो 36 का हम 1/4 लेंगे, 9 इंच, 9 इंच प्लस उसमें सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। तरह से अब आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक साइड का है तो बैक साइड के लिए हम पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, 2.5 इंच पर लेंगे, एक निशान लगा देंगे। और गले की लंबाई है 10 इंच तैयार है तो हम इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, 10.5 लेंगे। और नीचे से गले का फैलाव देंगे हम 3 इंच पर। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरह से और गोल शेप दे देंगे। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड गला रखना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं और इस तरह से गोल शेप दे देना है। इस तरह से यहाँ से अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। बैक साइड का टक्स है तो 4.5 पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे।
इस तरह से, और यहाँ से ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का टक्स लग गया है, ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अगर आपको कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है, जो डीप गला होता है उसमें, कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तिरछे में मिला सकते हैं, 1/2 इंच लेके। तो इससे आपके कंधे नहीं गिरेंगे, कितना भी डीप गला हो। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तिरछे में यहाँ से मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक साइड की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट साइड के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे और उसमें जो बैक साइड हमने कटिंग किया है वो ऐसे रख देंगे, और जो फ्रंट साइड की लंबाई होती है वो हम 1/2 इंच इससे ज़्यादा लेंगे। इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये 1/2 इंच हमने ज़्यादा लिया है नीचे के साइड से, तो ये हमारा कंधे में चला जाता है। जब हम कंधा सिलते हैं तो हमारा सिलाई में चला जाता है 1/2 इंच, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये जैसे वैसे ही ड्रा करेंगे पहले। तो ये जैसे वैसे ही हमने ड्रा कर लिया है, अब इसको हम हटा देंगे। तो जैसे आगे का गला है 6 इंच तैयार है, तो उसमें 1/2 इंच लेंगे हम, 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और नीचे से थोड़ा सा फैलाव देंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको ऐसे सीधा मिला देंगे यहाँ से, और गोल शेप दे देंगे गले का इस तरह से। और जो फ्रंट साइड होती है आर्म होल की, तो हम उसमें 1 इंच के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से बैक साइड होती है उसके लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं आर्म होल की गोलाई, और जो फ्रंट साइड होती है उस पर हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और ऊपर से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच यहाँ से, 1/2 इंच यहाँ से। तो ये पूरा हमारा 1.5 इंच पर आ जाता है।
ये पूरा टक्स जो है हमारा वो 1.5 इंच पर आ जाता है। तब इसको हम ऐसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम ऐसे गोल राउंड दे देंगे इस तरह से, गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारा निशान लग गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 36 साइज का प्रिंट अप लगाना बताया है, निशान लगाना बताया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम गले की कटिंग कर देंगे। इस तरह से अब हम जो टक्स दिया है उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे, फिर इस साइड से ऐसे कट करेंगे। इस तरह से अब हम जो निशान लगाए हैं यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरह से अब जो ये फोल्ड साइड है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड ओपन है, इसलिए यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जैसे बाजू की लंबाई है तैयार 4 इंच, तो उसमें एक्स्ट्रा हम 2 इंच मिलाएंगे। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जैसे ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो नीचे से पट्टी फोल्ड होती है, तुरपाई होती है, उसके लिए। तो जैसे 4 इंच तैयार है, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे से हम तुरपाई करते हैं। तुरपाई के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच का हम नीचे ऐसे पट्टी फोल्ड करके तुरपाई करेंगे उसके लिए। और जो बिना अस्तर वाला ब्लाउज होता है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो उसमें हम 1 इंच ही लेते हैं, उसमें तुरपाई नहीं होती। जो सादा वाला होता है बिना अस्तर वाला, तो उसमें हम तुरपाई करते हैं नीचे से फोल्ड करके पट्टी। तो जैसे इसका बॉटम है 6 इंच, 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम जो ब्लाउज में लिया था 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। फिर यहाँ से कैफ हाइट लेंगे हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहीं से सीधा 1 इंच कर देंगे ऐसे। और यहाँ से भी 1 इंच ले लेंगे, और इस साइड से हम ऐसे गोल शेप दे देंगे बाजू का। और यहीं से 1/2 इंच पर 1 इंच 1.5 इंच आप ले सकते हैं फ्रंट साइड के लिए। और ये हमारी सिलाई मार्जिन हो गई है। तो यहाँ से हम ऐसे इसको तिरछा कर देंगे, और ये मेन हमारी फिटिंग की हो गई, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो सबसे पहले हमने बैक आर्म होल का निशान लगाया है उसको कट करेंगे।
इस तरह से। अब जो फ्रंट की गोलाई दी है हमने, यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये जो फ्रंट की गोलाई दी है इसको कट करेंगे, ये फ्रंट साइड में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बाजू की कटिंग बताई है। तो ये हमारा बैक साइड हो गया है और ये हमारा फ्रंट साइड है। और ये हमारी स्लीव है। तो इस तरह से मैंने आपको 36 साइज का प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करना बताया है। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करिए ताकि जो सबसे पहले जो हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।